फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। काफ़ी टाइम से आप सभी में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि किसी भी इमेज को जब हम लोग कट करते हैं, उसको PNG में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे सेव कैसे करना चाहिए, एज इट इज़, यानी PNG में सेव करें। लेकिन आप सभी ये चाहते हैं कि जैसे PNG में कन्वर्ट करते हैं तो जैसा वो दिख रहा होता है हमारे फोटोशॉप में, वैसे ही उसे सेव करना चाहते हैं, वैसा सेव नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए, इसको एक नॉर्मल बैकग्राउंड वाली इमेज को मैंने निकाला है इसलिए क्योंकि जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैंने डिटेल से बताया है कि किसी भी बैकग्राउंड को कैसे हटाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बैकग्राउंड को हटाकर मैं बताता हूँ और उसमें एज इट इज़ कैसे सेव करते हैं उसको आज क्लियर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से इस तरह का बैकग्राउंड अगर मिले तो आप यहाँ से आ जाएं क्विक सिलेक्शन टूल पे, और क्विक सिलेक्शन टूल पे रहते हुए यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करें और इसको आप सिलेक्शन कर लें, सिर्फ इमेज का सिलेक्शन करें, या फिर आप मैजिक वैन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं ये वाइट कलर सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें भी वाइट कलर काफ़ी यूज़ हुआ है इसलिए मैं चाहूँगा कि मैजिक वैन टूल का यूज़ ना करें हम लोग। और क्विक सिलेक्शन टूल से हमने इसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इस तरीके से कर लिया है। अब जब इसका सिलेक्शन हमने पूरा कर लिया है तो इसी क्विक सिलेक्शन टूल पर रहते हुए इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फेदर का, इस पर आप क्लिक करेंगे और 1 पिक्सल का फेदर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर इसको यूज़ कर लेने के बाद अब आपको सिर्फ नॉर्मली इस बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करना है और इस लॉक को हटा लेना है, और उसके बाद आप इसको या तो कंट्रोल जे कर लें या कंट्रोल शिफ्ट आई से इसी सिलेक्शन को इन्वर्स में कन्वर्ट कर लें। तो कंट्रोल शिफ्ट आई से हम लोग इन्वर्स कर लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड को डिलीट करना है। अगर इमेज को कॉपी करना होता तो डायरेक्टली कंट्रोल जे यूज़ कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग डिलीट प्रेस करेंगे, ये देखिए डिलीट हो गया है। अब ये बैकग्राउंड जैसा आपको दिख रहा है एज इट इज़, इसे अगर सेव करना है तो आप कैसे सेव करेंगे उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है आप लोगों के लिए कि अगर आप चाहते हैं इस ट्रांसपेरेंट को थोड़ा सा अलग लुक देना तो कैसे दे सकते हैं, उसके लिए आपको आना होगा एडिट में, यहाँ पर प्रेफरेंसेस है, और यहाँ पर आप आ जाएं जनरल में। जनरल में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ट्रांसपेरेंसी का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंसी कैसा रखना चाहते हैं, तो आप ग्रिड कलर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसके कलर को डार्क या मीडियम रखना तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से कि जो मीडियम है इसको मैं लार्ज कर लूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा ब्लैक कर दूँ, और इसको जब ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग जाते हैं और जैसे था ये पहले वैसे ही हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से लाइट और ये मीडियम, और इसको ओके कर लेते हैं। अब इसे हम लोगों को सेव करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं फाइल में, और यहाँ पर आप सेव एज पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, इसका कोई भी नेम टाइप कर लेते हैं, 123 हमने टाइप किया, और इसको PSD में सेव करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई काम करें तो एक PSD फाइल ज़रूर आप बना लिया करें। फिर से जाएंगे फाइल में और इसके बाद फिर से सेव एज पे क्लिक करेंगे, और इस बार हम लोग यहाँ से PNG सेव करेंगे। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या होता है, ये PNG सेव तो करते ज़रूर हैं लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड भी साथ में दिखे, क्योंकि आप थंबनेल ऐसा बनाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता है। अब यहाँ से बात आती है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है जैसे वैसे ही सेव करना है आपको, तो उसके लिए आपको इसका स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा। यही कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों में कि ये सेव कैसे होता है। फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसा नहीं है, वो स्क्रीन शॉट ले करके फिर उसको हम लोग उसी पे पेस्ट कर देते हैं और कुछ नई चीज़ नहीं करते। तो यहाँ पर हम लोग एक स्क्रीन शॉट ले लेते हैं पूरे इस स्क्रीन का, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ। आपके कीबोर्ड में ही इंसर्ट का एक ऑप्शन होता है, उसी में स्क्रीन शॉट का भी एक ऑप्शन होता है, वो क्लिक कर लिया, अब ये स्क्रीन शॉट आ गया मेरे पास। अब कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ये देखिए पेस्ट हो गया है। अब आप इसको Ctrl+T से बड़ा कर लें, इस तरह से आप ऐसे करके बड़ा कर लेंगे, और यहाँ से आप ओके करिए, ये देखिए आपको मिल गया। अब इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो Ctrl+T से और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें और इसको बराबर ऐसे मिला लें। अब ये आप देखिए सेव हुआ है, पहले कुछ और था लेकिन अब जब हम लोग इसको सेव करेंगे Ctrl+Shift+S, अब इसको आप एज ए JPEG सेव करें यहाँ से, ये मैं JPEG सेव करूँगा यहाँ से, और ओके कर लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम क्वालिटी आप रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम लोग आते हैं डेस्कटॉप पर। अब देखिए जो हमने सेव किया है वो कैसा कैसा लुक आया, एक हमने ये सेव किया, एक ये सेव किया, और एक PSD सेव किया है। ये
एक्चुअली जो ये है ना, ये पीएनजी है, लेकिन इसका बैकग्राउंड साथ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जिस तरह का बैकग्राउंड पे ओपन होगा उसी तरह का बैकग्राउंड दिखने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंट ये दिख रहा होगा। अब उसके बाद आप इस वाले इमेज पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये ट्रांसपेरेंसी साथ में दिखेगी। यही कन्फ्यूज़न होता है कि ये आप ये कैसे पीएनजी के साथ दिखाते हैं, तो एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसी को फिर से पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी यूज़ करके। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि जो कन्फ्यूज़न पहले से था वो अब ख़त्म हो गया होगा। तो फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।